मानसून सक्रिय होने के साथ ही नगर निगम ने भी पूरी तैयारी की हुई है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने बताया कि हेरिटेज निगम ने 3 आपदा प्रबंधन केंद्रों पर सभी तरह की तैयारियों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। इसमें समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जा सकता है। इधर हेरिटेज नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए सभी तरह के संसाधनों के साथ कर्मचारी 24 घंटे मौजूद रहते हैं। लेकर हमारी पूरी तैयारी है। आप देखिए, हमारे मिट्टी के बैग्स तैयार हैं और हमारे पास मड पंप्स, हमारे ट्रैक्टर जो बार बार सप्लाई कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल रूम बने हुए हैं जोन वाइज, तो हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन और हमारा अधिकारी, मैं खुद, अभी बारिश हुई थी तो मैं खुद गई थी व्यवस्थाएं देखने। कंट्रोल रूम हमारे चल रहे थे, मैंने बिल्कुल सख्त हिदायत दे रखी है कि कंट्रोल रूम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जो भी शिकायत हो आती है उसका निस्तारण होना चाहिए, वहाँ पर आदमी पहुँचना चाहिए। और यही, हम तो यही कर सकते हैं कि मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो, लोगों तक सहायता जल्द से जल्द पहुँच जाए। हमारे हेरिटेज नगर निगम ऑफिस के अंतर्गत 3 आपदा केंद्र बने हुए हैं, जिसमें मुख्य आपदा केंद्र बनी पार्क है, घाट गेट है, आमेर है। तीनों जगह हमारे पास 10 ट्रैक्टर ट्रोली हैं, 10 मड पंप हैं, 2 JCB हैं, 1 कटर है। इसके अलावा 2,00,000 कट्टे हमने यहाँ मौके पे भर रखे हैं तीनों स्टेशनों पे, जिसमें लगभग 1,50,000 कट्टे हमारे पास बनी पार्क हैं, 25,000 घाट गेट है, 25,000 हमारे पास आमेर में। तो इस एरिया को देखते हुए अभी हमने आमेर नया खोला है, क्योंकि वहाँ से अगर कोई आती है शिकायत तो दूरी कारण काफ़ी समय लगता था।